हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हॉलीवुड मूवीज इनसाइड यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2022 में आई हॉलीवुड मूवी 12 आवर की, जो कि एक साइंस फिक्शन एक्शन मूवी है। मूवी की शुरुआत में हमें एक साइबर टाउन दिखाया जाता है, जहां पर इस एरिया में लोगों के मिसिंग केस बहुत ज़्यादा आने लगे थे। इसके बाद हम एक चेंग नाम के लड़के को देखते हैं, जो वहाँ पर खड़ा किसी कंपनी का एडवर्टाइजमेंट देख रहा था। तभी हम लोग यहाँ देखते हैं कि कुछ लोग चेंग के पीछे पड़े हुए हैं, जिनको पता था कि चेंग पहले आर्मी में काम करता था। हम देखते हैं कि चेंग के पास एक डॉक्टर की कॉल आती है, जो कहता है कि तुम्हारी बेटी का इलाज हमें 24 घंटे के अंदर करना होगा, वरना हम तुम्हारी बेटी को नहीं बचा सकते। अब चेंग को अपनी बेटी के इलाज के लिए पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, इसलिए चेंग क्रेडिट बिट नाम की एक जगह पर जाता है, जो इंटरेस्ट फ्री लोन देने का वादा करती है। जब चेंग वहाँ पर जाता है तो उसे उसके बारे में पूछा जाता है और उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन की जाती है और उसके लोन की अमाउंट पूछी जाती है। यहाँ पर वे लोग उससे एक एग्रीमेंट भी साइन करवाते हैं, जिसमें लिखा होता है कि अगर उसकी डेथ एक्सीडेंट में हो जाती है तो वे उसकी बॉडी को अपनी रिसर्च के लिए इस्तेमाल करेंगे। अब चेंग उस एग्रीमेंट को साइन कर लेता है, जहाँ पर हम कुछ और लोगों की आईडी को भी देखते हैं। अब जैसे ही चेंग वहाँ से जाने लगता है, तभी एक आदमी चेंग की गर्दन पर अपनी रोबोटिक मशीन से कुछ इंजेक्ट कर देता है। तभी वहाँ पर ब्लैक सूट वाले आदमी चेंग को घेर लेते हैं। चेंग उन लोगों से फाइट करता है, लेकिन ब्लैक सूट वाले आदमी अभी भी चेंग का पीछा नहीं छोड़ रहे थे। इसके बाद वहाँ से यह जाने वाला था कि तभी चेंग की बॉडी में कुछ अजीब सी म्यूटेशन होती है और वह वहीं पर बेहोश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि चेंग को इंजेक्शन लगाए जाते हैं और उसकी बॉडी में कुछ इंजेक्ट किया जाता है। इसके बाद जब चेंग को होश आता है तो वह अपने आप को एक बर्फीली जंगल में पाता है, जहां पर हम कुछ और लोगों को भी देखते हैं। उनको भी ये पता नहीं होता कि वे लोग यहां पर कैसे आए हैं। इसी दौरान चेंग वहां पर एक ब्लैक कपड़े को देखता है और वह वहां जाकर उस कपड़े को हटाता है तो कपड़े के नीचे अलग अलग प्रकार के हथियार रखे हुए थे। ये सभी वेपन देख कर डर जाते हैं और उनको कुछ भी पता नहीं होता कि इनका करना क्या है। इसके बाद वे सभी एक एक हथियार ले लेते हैं। तभी अचानक उन सभी की कलाई पर डिजिटल वॉच दिखाई देती है, जिसमें 12 घंटे का टाइम स्टार्ट हो जाता है, लेकिन इनको कुछ भी पता नहीं होता कि इनके साथ क्या होने वाला है। तभी वहां पर इनमें से एक आदमी को कोई मार देता है। अब ये लोग पीछे देखते हैं तो इनके पीछे वही ब्लैक सूट वाले आदमी होते हैं, जिन्होंने मास्क पहना हुआ होता है। उनको देख कर ये लोग वहां से भागने लगते हैं। ब्लैक सूट वाले आदमी इनका पीछा करते हैं। अब चेंग इनका सामना करता है और एक एक को मारना स्टार्ट करता है। तभी चेंग के ग्रुप में से एक लड़की नीचे गिर जाती है, जिसको ब्लैक सूट वाले आदमी मारने ही वाले होते हैं कि तभी उनके ग्रुप में से एक और लड़की, जिसका नाम एना होता है, वह ब्लैक सूट वाले आदमी को मारती है और उस लड़की को बचा लेती है। अब सभी लोग उन ब्लैक सूट वाले आदमियों का मुकाबला करते हैं। तभी ब्लैक सूट वाले आदमी इनके एक और मेंबर को मार देते हैं। अब हम देखते हैं कि चेंग के अंदर कुछ अजीब सा बदलाव होने लगता है और यह बदलाव बाकी लोगों के साथ भी होने लगता है, जिसके बाद इनकी लड़ने की क्षमता और बढ़ जाती है और ये लोग यहाँ पर इन ब्लैक सूट वाले आदमियों को मार देते हैं और फिर यहाँ से भाग जाते हैं, जिसके बाद ब्लैक सूट वाले आदमी भी इनका पीछा नहीं करते और अब ये लोग एक जगह पर जाकर रुक जाते हैं। इसके बाद ये सभी लोग यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढने लगते हैं, पर तभी यहाँ पर एक अजीब सा क्रिएचर आ जाता है, जिसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। इसके बाद फिर से इनका काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। तभी वह क्रिएचर इनमें से एक आदमी को मार देता है और जब ये क्रिएचर इनके सामने आता है तो ये सभी लोग अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। अब क्रिएचर उन पर अटैक करता है और वे लोग बच जाते हैं। तभी ये क्रिएचर वहाँ पर एक दूसरे आदमी को भी मार देता है और एना पर अटैक करता है। तभी चेंग वहाँ पर एना को हेल्प करने आता है। अब वे दोनों क्रिएचर के सामने बिल्कुल खामोश खड़े हो जाते हैं, जिससे क्रिएचर उनको नोटिस नहीं कर पाता। तभी इनके ग्रुप में चश्मे वाला आदमी नीचे गिर जाता है तो क्रिएचर उसके पीछे पड़ जाता है। अब चेंग कुछ मूवमेंट करके उस क्रिएचर को अपने पीछे लाता है और वहाँ से भागना स्टार्ट कर देता है। इसके बाद चेंग एक जगह जाकर बिल्कुल खामोश खड़ा हो जाता है, जिसके बाद फिर से क्रिएचर उसको नोटिस नहीं कर पाता। लेकिन इसी वक्त इनके ग्रुप का एक आदमी जो भागते भागते हाँफ रहा था, तभी क्रिएचर उसकी आवाज़ को नोटिस कर उसके पीछे लग जाता है और उस आदमी के सामने जाकर एक ही झटके में उस आदमी को मार देता है। अब चेंग बाकी लोगों के पास आता है और खामोशी से वहाँ से निकलने को कहता है। इसके बाद ये सभी लोग धीरे धीरे जंगल से बाहर जाने लगते हैं और एक सेफ जगह को ढूंढते हैं, लेकिन हम देखते हैं कि वह क्रिएचर अभी भी इनके पीछे आ रहा था। तभी हम देखते हैं कि इन लोगों को एक कंस्ट्रक्शन साइट दिखाई देती है और वे सभी इसके अंदर चले जाते हैं। उनमें से एक, जिसके चश्मा पहना हुआ होता है, उसकी एक पैंट पाइप में फंस जाती है और क्रिएचर इसका पीछा करते हुए इसको ढूंढ लेता है। तभी चेंग उस आदमी की पैंट काट कर उसको बचा देता है। एना भी अपने तीर से उस क्रिएचर पर अटैक करती है। पाइप लगे हुए होने की वजह से वह क्रिएचर अंदर नहीं आ पा रहा है और यह क्रिएचर पाइप पर चढ़ना स्टार्ट कर देता है। यह देखकर चेंग उन सबको वहां से भागने को कहता है। भागते भागते मोटा चश्मे वाला आदमी नीचे गिर जाता है और अब ये लोग बहुत थक गए होते हैं और एक जगह पर बैठ जाते हैं। अब ये लोग आपस में बातें करते हैं कि वो चीज़ क्या थी, क्या वह कोई मॉन्स्टर था। तब चेंग सबको कहता है कि शायद उसको जेनेटिकली म्यूटेंट करके बनाया गया हो। तभी एना कहती हैं कि हम लोगों को पता ही नहीं है कि हम लोग यहाँ पर आए कैसे हैं,
तभी मोटा आदमी बताता है कि मैं एक क्रेडिट बिट नाम की जगह पर गया था, जिसके बाद सीधा इस जगह पर आ गया हूँ। तभी उनके ग्रुप का एक और आदमी कहता है कि मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ है। तभी एना को कोई याद आता है कि उसने ब्लैक सूट वाले आदमी की गर्दन पर एक टैटू देखा था और वह टैटू बनाकर सभी को दिखाती है। टैटू देखकर इनको पता चलता है कि यह उस इन्फिनिक्स कंपनी का लोगो है। और तभी हम देखते हैं कि इन सभी लोगों को उस कंपनी में एक जगह पर रखा हुआ होता है, उनकी बॉडी में कुछ डिवाइस भी इंजेक्ट किया हुआ होता है। अब हमें यह पता चलता है कि यह लोग उस जंगल में फंसे हुए हैं, असल में वह बॉडी के साथ नहीं है, असल में इनकी बॉडी तो यहाँ पर है। अब हम देखते हैं कि उस कंपनी की CEO यहाँ पर आती हैं और इन मेंबर्स की कंडीशन के बारे में पूछने लगती हैं। तब उसके टीम मेंबर उसको बताते हैं कि एना की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ गई है और इन सब लोगों में से चेंग सबसे अलग है, क्योंकि वह काफ़ी देर बाद बेहोश हुआ था। इसके साथ चेंग का ब्रेन फंक्शन भी स्ट्रॉन्ग हो गया है। यह सुनकर कंपनी की CEO बहुत ज़्यादा खुश होती है। इधर यह सभी लोग बाहर निकलने का रास्ता ढूंढ रहे होते हैं, मगर इनको निकलने का रास्ता नहीं मिलता और यह सभी लोग थक कर एक जगह बैठ जाते हैं, जहां बैठकर एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करते हैं और ये लोग आपस में बातें करने लगते हैं। इधर हम देखते हैं कि कंपनी की CEO इन लोगों पर लगातार नज़र रखे हुए होती हैं और अब वह CEO इन लोगों पर सेकेंड टेस्ट करने को कहती हैं। तभी इन मेंबर की रिस्ट पर 6 घंटे का काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है। यह देखकर सभी लोग अलर्ट हो जाते हैं। तभी जहाँ पर ये सभी लोग मौजूद थे वह बिल्डिंग टूटने लगती है और ये लोग एक जगह पर फंस जाते हैं। यह सभी एक दूसरे को बचाने की कोशिश करते हैं। जैसे ही चेंग ग्रुप में एक लड़की को बचाने लगता है, वह लड़की अपने दूसरे ग्रुप के मेंबर के हाथ पर पांव रख देती है, जिसकी वजह से वह आदमी नीचे गिर जाता है। अब वह कहने लगती है कि उसने यह जानबूझकर नहीं किया है। तभी यह जगह और ज़्यादा हिलने लगती है और वह लड़की भी नीचे गिर जाती है। अब यहाँ सिर्फ 3 लोग जिंदा बच गए थे। अब चेंग यह नोटिस करता है कि यह जगह हर 5 सेकेंड बाद हिलने लगती है। तभी चेंग मोटी ग्लास वाले आदमी से कहता है कि हम दूसरी जगह पर जंप कर सकते हैं या नहीं, और वह कैलकुलेशन करके बताता है कि यहाँ से दूसरी जगह पर जंप करना पॉसिबल नहीं है, मगर चेंग कहता है कि हमें यह रिस्क लेकर यहाँ से जाना होगा। तभी वह मोटे ग्लास वाला आदमी कहता है कि तुम 35 डिग्री एंगल का यूज करके यहाँ से जंप कर सकते हो। अब चेंग जंप करके दूसरे फ्लोर पर आ जाता है। इससे एना और ग्लासेस वाला आदमी बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। चेंग उन लोगों के पास एक वायर फेंकता है और एना उस वायर को पकड़कर चेंग के पास आ जाती है। अब मोटे ग्लास वाला आदमी बहुत ज़्यादा डर रहा होता है, मगर चेंग उसको जंप लगाने की हिम्मत देता है। इधर क्लिप पर लटकी हुई रस्सी की क्लिप टूट जाती है और वह ग्लास वाला आदमी नीचे गिरने लगता है। तभी चेंग उसको पकड़कर बचा लेता है। तभी ग्लास वाला आदमी को अचानक कुछ होने लगता है, उसको ब्रेन हेमरेज हो गया होता है, क्योंकि वह उनके इंजेक्शन को ज़्यादा सहन नहीं कर पा रहा था। मगर कंपनी की CEO कहती है कि इसको और ज़्यादा इंजेक्शन लगाओ। अब ग्लासेस वाला आदमी कहता है कि मुझे मर जाने दो, मगर चेंग उसका हाथ नहीं छोड़ता। चेंग उस आदमी को बचाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन अचानक से उसका हाथ छूट जाता है और वह नीचे गिर जाता है। अब कुछ ही देर में वो पूरी जगह गिरने वाली थी, इसलिए एना चेंग को यहाँ से भागने को कहती है। दूसरी तरफ पुलिस को क्रेडिट बिट के बारे में पता चल जाता है, क्योंकि पुलिस को यहाँ एक सिग्नल मिला था जो इन्फिनिक्स कंपनी में जाकर गायब हो गया था। इसलिए पुलिस को इन पर शक था कि जो लोग गायब हो रहे हैं उसमें इन्फिनिक्स कंपनी का हाथ है और यह कंपनी किसी न्यू टेक्नोलॉजी को इन्वेंट करना चाहती है, और हो सकता है कि उसी कंपनी ने अपने रिसर्च के लिए लोगों को गायब करवाया हो। अब हम कंपनी में उसी CEO को देखते हैं जो नेक्स्ट टेस्ट करवाने की तैयारी करने को कहती हैं और अपने यहाँ से 2 लोगों को चेंग के पास भेजती हैं। वहीं दूसरी तरफ एना का पाँव बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाता है, जिससे चेंग उस पर एक कपड़ा बांधता है और अब वह अपना एक बॉक्स ढूंढने लगता है जिसको एना ने उठा लिया था। अब यहाँ पर चेंग उसको बताता है कि यह बॉक्स उसको उसकी बेटी ने दिया था, और वह बताता है कि मेरी बेटी को एक बीमारी है जिसको एक जेनेटिक लंग्स डिजीज है, जिसको सुनकर एना इमोशनल हो जाती है। चेंग एना को कहता है कि मैं किसी भी कीमत पर अपनी बेटी को बचाना चाहता हूँ। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी इसके पास दोबारा से काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है, जिसमें सिर्फ 2 घंटे का टाइम बचा होता है। तभी ये लोग देखते हैं कि इनके पास ब्लैक सूट वाले बहुत ज़्यादा आदमी आने लगते हैं। ये दोनों पास की बिल्डिंग में भागने लगते हैं और ये दोनों पिल्लर के पीछे जाकर छुप जाते हैं। जब ब्लैक सूट वाले आदमी इनके पास आते हैं तो यह दोनों उन पर अटैक करते हैं। तभी चेंग उनमें से एक आदमी को पकड़ लेता है और उसकी गर्दन पर चाकू लगा देता है और पूछता है कि तुम लोग कौन हो और हमें क्यों मारना चाहते हो। तभी वह 2 लोग भी आ जाते हैं जिनको CEO ने भेजा था। उनमें से एक लड़का चेंग से कहता है कि तुम दोनों फाइनल राउंड में पहुँच चुके हो। तब इनको कोई भी बात समझ में नहीं आती। तभी वह लड़की कहती है कि तुम ये जानना चाहते हो कि तुम लोगों को यहाँ क्यों लाया गया है, तो तुम्हें हम सबको यहाँ पर मारना होगा। अब चेंग जैसे ही उस ब्लैक सूट वाले आदमी को मारता है, उसकी बॉडी अजीब तरीके से गायब हो जाती है। यह देखकर चेंग और एना दोनों कंफ्यूज हो जाते हैं। अब चेंग यहाँ पर अपनी स्किल से एक एक कर सभी को मारने लगता है, और दूसरी तरफ एना उस लड़की से फाइट कर रही थी जिसे उस CEO ने भेजा था, और वह लड़की एना पर भारी पड़ रही थी, मगर फिर भी एना उस लड़की का मुकाबला कर रही थी, और तभी वह लड़की एना को इंजर्ड कर देती है। तभी इन दोनों की हालत ख़राब होने लगती है, और दूसरी तरफ कंपनी में CEO का असिस्टेंट कहता है कि हमें यहाँ पर एक्सपेरिमेंट को रोक देना चाहिए,
क्योंकि इन दोनों की हालत ख़राब हो रही है। मगर सीईओ इसकी कोई बात नहीं मानती और कहती हैं कि इस एक्सपेरिमेंट को जारी रखा जाए। पर तभी उन दोनों की रिस्ट से काउंटडाउन खत्म हो जाता है। यह देखकर सीईओ बहुत ज़्यादा खुश होती हैं क्योंकि उन दोनों ने सभी राउंड को पार कर लिया था और अब उसे अपने मिशन के लिए परफेक्ट चेंग मिल गया था। इसलिए सीईओ उन दोनों को वापस बुला लेती है जिनको सीईओ ने भेजा था। इसके बाद सीईओ चेंग और एना के पास आती हैं और इनको जेनेटिक रिसर्च में पास होने के लिए बधाई देती हैं। चेंग उससे कहता है कि तुमने सिर्फ एक्सपेरिमेंट के लिए इतने सारे लोगों को मरवा दिया। एना अब गुस्से में उस पर अटैक करती हैं, तभी उसकी कंडीशन ख़राब हो जाती हैं। अब वह सीईओ वहां पर चेंग को कहती हैं कि तुम्हें एना को मार दो, मैं प्रॉमिस करती हूं कि इसके बाद तुम अपनी बेटी से मिल सकते हो। और वह कहती हैं कि अगर तुम मेरी बात मानोगे तो मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल ठीक कर सकती हूं। जिसके बाद वह चेंग को एक मिनट का टाइम देती है। अब एना चेंग को कहती हैं कि तुम मुझे मार दो और अपनी बेटी को बचा लो। इसके बाद चेंग को सब कुछ समझ में आ जाता है कि वह लोग असल में इस दुनिया में है ही नहीं। इसके बाद चेंग एना को लेकर यहाँ से कूद जाता है और वह असल दुनिया में आ जाता है और यहाँ पर दोनों फिर से ज़िंदा हो जाते हैं। इसके बाद यहाँ पर चेंग खुद को और फिर एना को आज़ाद कराता है। तभी सीईओ के आदमी यहाँ पर आ जाते हैं और ये दोनों वहाँ से भागना स्टार्ट कर जाता है। यहाँ पर सीईओ के लोग इन दोनों को दोबारा से घेर लेते हैं और अब सीईओ चेंग को दोबारा यह ऑफर देती हैं कि उसकी बेटी को ठीक कर देगी। यहाँ पर चेंग बिल्कुल बदल जाता है और सीईओ का साथ देने के लिए तैयार हो जाता है। और तभी चेंग उनमें से एक आदमी की गन खींच लेता है जिससे कंपनी की सीईओ वहाँ से भागने लगती हैं। तभी वहाँ पर पुलिस भी आ जाती है। यहाँ पर पुलिस चेंग को भी अरेस्ट कर लेती है। अब हमें यह दिखाया जाता है कि उस कंपनी की सीईओ को भी अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि वह एक गैर कानूनी तरीके से एक्सपेरिमेंट कर रही थी। अब 6 महीने बाद हम देखते हैं कि कंपनी को गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही है। इसके बाद हम साइबर सिटी को देखते हैं जहाँ पर चेंग की बेटी को हम देखते हैं। अब वह बिल्कुल ठीक हो चुकी है और एना उससे मिलने आई है। एना उस बच्ची को कहती है कि तुम दुखी मत हो, वो तुम्हारे फादर तुमसे मिलने जरूर आएंगे। तभी हम वहाँ पर चेंग को देखते हैं जो एक व्हील चेयर पर हैं जिसने एक प्रोटॉन थेरेपी को यूज़ किया था जिससे उसने अपनी बेटी को ठीक कर दिया। इसके बाद चेंग की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। दूसरी तरफ एना और चेंग की बेटी को देखते हैं जो दोनों मिलकर बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रही होती हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। दोस्तों आपको ये मूवी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।